मैजिक में लादा गया। आप लोग वीडियो देखिए, उसमें मैजिक में काले कपड़े में उसको ऐसे लादा जा रहा है, जैसे कोई लावारिस लाश हो। टीम कहाँ थी उस समय? कोई टीम नहीं, एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए था। आकांक्षा ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अभी हम लोग रात को बात किए थे उनसे, तो कैसे कर सकती है वो? कुछ भी नहीं बताई, बस समर सिंह को परेशान कर रहा था, इतना हमको पता है। समर सिंह उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे भी। बात कोई नहीं, सब यूट्यूब पे रो रहे हैं, संतावना दे रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री की इतनी अच्छी बहादुर लड़की, हुनहार लड़की आज हमारे बीच नहीं। ये सब दिखावा है, सब नहीं करना चाहिए। उसको धमकाया जाता था, उसको 3 साल से उसका पैसा लिया है 5 करोड़ रुपए। जब वो मांगती थी उसको धमकी दिया जाता था। मान ने उसका भाई उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें मार के लटका देंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री आकांक्षा दुबे की मौत से शोक में डूबी हुई है, जिन्होंने 26 मार्च की सुबह खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। लेकिन आकांक्षा दुबे के परिवार वाले उनकी मौत को एक साजिश बता रहे हैं और उनके बॉयफ्रेंड को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल ये है कि वो आखिर है कौन? आइए बताते हैं। ये सुसाइड नहीं की है, इनको इनको करके इनको लटका दिया गया है। कि उसे बैठी है कैसे सुसाइड कर सकती है? लोग मान ही नहीं सकते कि उसे हम लोग खोए हैं। आकांक्षा ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अभी हम लोग रात को बात किए थे उनसे, तो कैसे कर सकती है वो? नहीं मानती। बात कुछ बताई थी क्या? क्या कुछ भी नहीं बताई, बस समर सिंह को परेशान कर रहा था, इतना हमको पता है। समर सिंह उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे भी। हाँ, समर सिंह पिक्चर इंडस्ट्री का ही है, गायक भी है, बस उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे चाहे जहाँ से ढूंढ को लाइए। जैसे हमारी लड़की गई है, से उसको भी हर दिन मरना होगा। अब फांसी लटकाया जाए उसको, हमारी यही है। सब हो चुका है वहाँ पे, सब करेंगे, बस उसको फांसी लटकाया जाए हमारी बच्ची है। और हमें कुछ भी नहीं कहना है, जैसे हमारी लड़की गई है से वो भी जाए। क्या कुछ पहले से कुछ? उसको धमकाया जाता था, उसको 3 साल से उसका पैसा लिया है 5 करोड़ रुपए। जब वो मांगती थी उसको धमकी दिया जाता था। मान ने उसका भाई उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें मार के लटका देंगे हम। समर सिंह का भाई, हाँ, वो कहा था अपने मुंह से कहा था आकांक्षा को। आकांक्षा बोली ठीक है कर देना, बोला देख लेना तुम्हें एक दिन मार डालेंगे हम। और वही किया है, समर सिंह मिल के किया है। उसका पैसा नहीं दे रहा था, वो मांग रही थी तो उसको साथ ये कर लिया था। तो समर सिंह किया है, हमें पूरा विश्वास है। उसको चाहे जहाँ से ढूंढ के लाइए और उसको कर के पर सजा इतना करवाइए कि वो बच ना पाए। जैसे हमारी लड़की के तो वो भी मरे, इसी में चाहती हूँ। उसके बाद तो बिंदवासिनी माता उसका तो खुद ही देखेंगी, वारा न्यारा करेंगी। हाल ही में समर सिंह ने अपने सोशल अकाउंट पर रोते हुए इमोजी बनाते हुए समर सिंह ने RIP लिखा है। लेकिन अभिनेता को इस सांत्वना पोस्ट के लिए ट्रोल किया जा रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट में उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तमाम यूजर आकांक्षा की मौत के लिए समर सिंह को कसूरवार बता रहे हैं और कमेंट्स में साफ लिख रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ ये। एक यूजर ने लिखा, इसके जिम्मेवार तुम हो समर सिंह। एक ने तो ये तक लिख दिया कि अब जेल जाने की तैयारी कर लो तुम। कई लोग उन्हें पोस्ट में गालियां दे रहे हैं। सुसाइड तो नहीं कर सकती जो लड़की अपने 17-18 साल उम्र में इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंची, और हिम्मती लड़की, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसके साथ साजिश हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री यहाँ पे शूटिंग करने के लाई टीम लाई, वो टीम कहाँ है? कल उसका एसी में रहने वाली लड़की, कल उसको मैजिक में ले आया गया, और उसकी टीम कहाँ है? सब कहाँ है, भाग गए। हम उनको भी दोषी ठहराते हैं, और साथ साथ तो समर सिंह का तो नाम आ ही रहा है। समर सिंह तो बचेंगे नहीं, और तो हम ये तो कहते हैं टीम भी नहीं बचेगा। जो टीम आई है, साइन करवाइए पिक्चर का, 5 दिन पहले साइन कराइए, तो टीम भी हम उसको भी बताएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी कहने को है, साथ कोई नहीं। सब यूट्यूब पे रो रहे हैं, संतावना दे रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री की इतनी अच्छी बहादुर लड़की, हुनहार लड़की आज हमारे बीच नहीं। ये सब दिखावा है, सब नहीं करना चाहिए। आप अगर हैं तो आइए, मदद करिए, उसके साथ खड़े रहिए। सब मानेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री है। आज के ज़माने में कोई इंडस्ट्री नहीं अच्छा है, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड चाहे भोजपुरी, सब दिखावा है, साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अब आकांक्षा की मौत की असली वजह क्या है? बनारस के एक होटल में अभिनेत्री का शव मिला, जिसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि अभी तक वजह का साफ तौर पर खुलासा नहीं हुआ है।